हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द गीक मॉन्ग। दिस इज़ योर बॉय वासु सैगल और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स के बारे में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट बहुत ही एक हॉट टॉपिक है और जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो ये पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैं पूरी डिटेल में बताऊँगा कि सेंट्रल प्लेसमेंट सेल एक कौन सी बॉडी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की और इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स करते हैं हम कि हमारी प्लेसमेंट हो जाए उसके बाद, और हम इंटरव्यू वगैरह सब प्रोसीजर्स के बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेंट्रल प्लेसमेंट सेल दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एक स्टूडेंट की लाइफ में कि वो अपने ग्रेजुएशन के बाद जॉब ज़रूर करे। तो इस सेंट्रल प्लेसमेंट सेल क्या है ये, मतलब ये एक बॉडी है जो कि मतलब एम्पावर करती है स्टूडेंट्स को कि वो आगे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि वो आगे जॉब कर सकें। तो मतलब इसमें क्या होता है कि आपको सबसे पहले ये कैसा है कि अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया या फिर अगर आप थर्ड ईयर में अपने फाइनल ईयर में, तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कंपनी की प्लेसमेंट में बैठ सकते हैं। तो ये कंपनी की प्लेसमेंट में आप कैसे बैठ सकते हैं, ये बैठ सकते हैं आप सेंट्रल प्लेसमेंट सेल के थ्रू, या फिर अगर कोई बच्चा है कि वो अंडर ग्रेड में है या फिर पोस्ट ग्रेड में है, अगर उसको इंटर्नशिप करनी है तो फर्स्ट ईयर में होगा तो वो इंटर्नशिप के लिए भी अप्लाई कर सकता है इस साइट के थ्रू जो कि है सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये है क्या, सबसे पहले आपको इसकी बिगेस्ट अभी तक जो अनाउंसमेंट है वो बता दें हम कि इसकी बिगेस्ट अनाउंसमेंट ये है कि इस बार सेंट्रल प्लेसमेंट सेल ने विप्रो में टोटल 69 बच्चे DU के प्लेस हुए हैं और अमेजोन में 43 बच्चे प्लेस हुए हैं। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी अनाउंसमेंट है और अचीवमेंट भी है DU की। तो इसका प्रोसीजर क्या है, तो प्लेसमेंट बेसिकली जो भी कॉलेज का है अंडर ग्रेड या फिर ग्रेड जो कि फाइनल ईयर में है और दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है वो अप्लाई कर सकता है इसमें। तो स्टूडेंट फर्स्ट या सेकेंड ईयर का अंडर ग्रेड या फिर फर्स्ट ईयर ऑफ पोस्ट ग्रेड में जो है ये वो फ्री रजिस्टर कर सकता है इंटर्नशिप के लिए। और अब आपको इसका प्रोसेस पूरा मैं बता दूं, तो इसके प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली आपको अपनी ईमेल आईडी के थ्रू रजिस्टर करना होता है और इसकी जो फीस है वो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 100 रुपीज़ है। उसके बाद आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है और उसके ऊपर अपनी फ़ोटो फिक्स करनी है और उसके बाद कॉलेज या प्रिंसिपल से वो अटेस्ट कराना है। और वो अटेस्ट कराने के बाद कोई आपको कॉल नहीं करेगा या फिर कोई ऐसी कोई आपको मेल नहीं आएगी कि प्लेसमेंट होने वाली है आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद बेसिकली आपको ये साइट को रेगुलरली चेक करना है। ये शुरू हो चुकी है सबसे पहले प्लेसमेंट 2 सितंबर से, तो अभी तक कुछ कंपनीज आ चुकी है और अभी और भी आनी है। तो अभी भी आप ये अगर वीडियो देख रहे हैं तो आप इस पर ज़रूर रजिस्टर करें और जल्दी से जल्दी अपने जो कॉलेज के प्रिंसिपल हैं उनसे अटेस्ट करा लें। तो इसमें क्या है, तो अगर आप अटेस्ट करा लेंगे तो आप रेगुलरली आपको एक चेक करनी है साइट, और उसके बाद जो भी इस पे नोटिस आएंगे, जैसे 2 नोटिस हैं तो जैसे भी जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी उनको पर्टिकुलर कोर्स की, तो उसके बाद आपको वहीं वेन्यू पे जाके वहाँ पर अपना इंटरव्यू देना है और उसके बाद आप सिलेक्ट होंगे या फिर अगर आपको जॉब लगती है तो वहीं से लगेगी। तो सबसे पहले जो जा चुकी है पहले आप देख लें कि इसमें बेकार कंपनी, सबसे पहले अच्छी कंपनीज आती हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम पैकेज होता रहता है। तो अब आप देख लो कि कैसी कंपनी है, तो मैं आपको एक बार नोटिस दिखा देता हूँ इसका जो कि 26 सितंबर को हो चुका है। तो ये कैसे होता है कि आपको ये नोटिस दे रखा है CPC का, इसमें आपको रिपोर्टिंग टाइम बता रखा है, उसका वेन्यू बता रखा है, प्रॉपर डिटेल्स बता रखी है कि क्या क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, और कोई छोटी प्लेसमेंट नहीं होती। देखिए आपके 4,80,000 से 12 लाख पर एनम तक जा सकती है, और उसके बाद ये आपको पूरी कंपनी की प्रोफाइल दी जाती है और इंडस्ट्री क्या है इसकी जिसमें आप वर्क करेंगे बेसिकली। तो जैसे एड टेक है तो आप वैसे कर सकते हैं, तो इसमें आपको ये पूरा डिटेल बताया जाता है और आपको उसी दिन जाना होता है और वहाँ पर इंटरव्यूज होते हैं, कुछ टेस्ट होते हैं, उसके बाद जाके आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। तो अब जैसे अब दूसरी जो आनी है लेटेस्ट जो है 8 नवंबर को 9:30 बजे है इंटरव्यू, तो इसमें आपको ये DU की साइट खुल चुकी है। तो इसके बाद जैसे कि आपको बता रखे कि प्लेसमेंट ड्राइव 8 नवंबर को होगी, रिक्रूटर कंपनी का नाम बता रखा है, रिपोर्टिंग टाइम बता रखा है, वेन्यू बता रखा है, और उसके बाद आपको ये बता रखा है कि डिपार्टमेंट कौन से चाहिए, जैसे फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, मैथमेटिक्स, बॉटनी या जूलॉजी के, ये कर सकते हैं अप्लाई, और फुल टाइम होगी
और इसका CTC होगी 8.4 लाख पर एनम, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है आफ्टर ग्रेजुएशन। तो इसमें आपको बता रखा है रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और क्वालिफिकेशन, एजुकेशन रिक्वायरमेंट सब कुछ बता रखा है। तो आपको सिर्फ डिटेल्स देखनी है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, आप उसी कोर्स को बिलोंग करते हैं और आपको बस प्रिपेयर करके टेस्ट दे के आना है। और ग्रेजुएशन के बाद ही आपकी बहुत अच्छी जॉब लग सकती है CPC के थ्रू, जो कि जनरली बहुत कम बच्चों को पता होती है। तो इसका प्रोसीजर जो है, देखिए आप जैसे इन्विटेशन, तो इन्विटेशन बता रखे कि फर्स्ट और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट जो इंटर्नशिप के लिए वो रजिस्टर कर सकते हैं फ्री। और उसके बाद बता रखे कि थर्ड ईयर के लिए अपॉइंटमेंट होगी, कंपनीज आएंगी डिफरेंट डिफरेंट और आपको वहाँ पर जाके प्लेस होना है टेस्ट देने के बाद। तो उसके बाद हम आते हैं रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पे। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पे आपको सबसे पहले अपनी ईमेल आईडी देनी है, फिर आपको उस पर पासवर्ड डालना है, और मतलब जैसे न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन है आप, तो सबसे पहले आपको ये फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको उसके ऊपर मतलब जो भी उसके एजुकेशनल डिटेल्स हैं तो वो बताने के बाद फिर आप उसके मतलब आपका एक फॉर्म आएगा, एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपको प्रिंट करा के अपने प्रिंसिपल से अटेस्ट कराना है। तो बेसिकली एक बारी प्रोसीजर मैं आपको डेमोंस्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि जैसे अगर हमें प्लेसमेंट के लिए जाना है, ठीक है, तो आप इसमें एनरोलमेंट नंबर अपना कुछ भी दे दो, जैसे ये है, उसके बाद अपनी ईमेल आईडी दे दो, पासवर्ड आप कुछ भी दे सकते हैं, कि आप देख सकते हैं कि लॉगिन हो गया है। उसके बाद हम माय प्रोफाइल में जाके हम देख सकते हैं कि पूरी डिटेल्स भरनी है, बेसिकली फर्स्ट नेम, लास्ट नेम वगैरह, ये पूरी डिटेल्स आपको भरनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपनी एजुकेशनल पूरी क्वालिफिकेशंस देंगे और विद प्रूफ। उसके बाद आप अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि आपको किस फील्ड में एक्सपीरियंस है और आपने कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रखा है। उसके बाद आपको अपनी बेसिक डिटेल्स जो हैं वो अपलोड करनी है डॉक्यूमेंट्स की, 11th 12th सर्टिफिकेट, CV, सिग्नेचर, फोटो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके बाद फिर आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा जब आप ये सबमिट कर दोगे, और फिर आपको बस पेमेंट करनी है 100 रुपीज़ की और आपका रजिस्टर हो जाएगा और आपका बेसिकली एक फॉर्म आ जाएगा और वो आपको प्रिंट करना है। और आपको रेगुलरली जो सेंट्रल प्लेसमेंट सेल है उसकी वेबसाइट को चेक करना है और नोटिस के लिए जैसे भी कोई भी आता है कि इस डेट पे है, इस टाइम पे, तो आपको ज़रूर उस पे जाना है कि अगर आप एलिजिबल हैं उसके लिए तो आप ज़रूर जाइए और अपने टेस्ट दीजिए और प्लेसमेंट ग्रैब कीजिए।